चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल पी इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी यू वन एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड अदर पार्टिकल क्यू इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी यू टू फ्रॉम अ पॉइंट वर्टिकली बिलो द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ पी द नेसेसरी कंडीशन फॉर द टू पार्टिकल्स टू कोलाइड एट द हाइएस्ट पॉइंट इज। सबसे पहले P पॉइंट से एक पार्टिकल U1 वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, ठीक है। तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? U1 cos 30 डिग्री, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? U1 sin 30 डिग्री। और ये हाईएस्ट पॉइंट है इस पाथ P का, पार्टिकल जो P से थ्रो किया जा रहा है उसका हाईएस्ट पॉइंट यहां पर है, ठीक है। और Q पॉइंट से एक दूसरा पार्टिकल U2 वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है, तो ये कब कोलाइड करेंगे इसकी कंडीशन बतानी है। तो कंडीशन सिंपल सी है कि जो इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस पार्टिकल के वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए। तो इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट है वर्टिकल, तो वो इस U1 sin 30 के बराबर होना चाहिए तभी ये कोलाइड करेगा। यानी U1 sin 30 डिग्री इक्वल होना चाहिए U2 के, तभी ये कोलाइड कर सकता है। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 U2, तो U1 is equal to 2 U2 हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन, U1 is equal to 2 U2, U1 is equal to 2 U2, हाँ ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।